ये एक ऐसे गांव की कहानी है जो काफी पिछड़ी है, कुरोतियों से भरी हुई, जहां एक परिवार रहता है जिसके घर का मुखिया पिरोचका। परिवार तो छोटा सा है, पति पत्नी और उसकी प्यारी सी बिटिया जिसका नाम है मुनिया। आइए देखते हैं उनके जिंदगी के कुछ हिस्सों को जो बयान करती है उनके जिंदगी की दुर्दशा को। हम मदद कर दे क्या? तुमसे तो बोझ उठ नहीं रहा। अपने काम से काम रखो। काम की बात ही तो कर रहे हैं, अपनों की मदद तो करनी चाहिए। यहाँ से निकलो वरना पत्थर से सिर फोड़ दूंगी। क्या कह रहे थे वो लड़के? कुछ भी उल्टा सीधा बोलने जा रहे थे। उल्टा सीधा? हाँ बापू, कुछ भी। और वे तो अपशगुन तरीके थे। अरे वो अपशगुन नहीं, तू पैदा हो गई यही हमारे लिए अपशगुन है। क्या हुआ ने मुनिया, आज तो खेलने नहीं आई। हमें बापू कहे कि हमने किस्मत फुटू लिया, हम क्या करें? और हम किस्मत नहीं बदल सकते। मेरे भी बापू कहे हैं और तेरी तरह मुझे भी बहुत पढ़ने का शौक है। अच्छा छोड़, तू बता कि तू बड़े होकर क्या बनेगी? तो किसी को नहीं बताएंगे ना, पक्का? अरे तू बता बता, मैं किसी को नहीं बताती। मैं तो बड़ी होकर मास्टरनी बनूंगी। मैंने सुना है मास्टरानी बनने के लिए बहुत पढ़ना होता है। तो छोड़, मैं तुम्हें पढ़ लूंगी। अब तू बता कि तू बड़ी होकर क्या बनेगी? मैं बड़े होके तेरे स्कूल में है मास्टरानी बनूंगी। अरे क्या रोज की बात है, तुम्हें कुछ पता है? आज तो पानी सर के ऊपर चढ़ गया है। अब क्या हुआ? हमें तो डर लग रहा है, इस डर का कोई इलाज करना पड़ेगा। अब किस बात का डर? अरे अपनी मुनिया का, और किसका बात करूंगा मैं। हे भगवान, अब मैं इसका क्या करूं? ओ मुनिया के बापू, अरे ओ मुनिया के बापू, घर में कोई है क्या? देख भाई झगड़, एक बात मैं तुझे समझा देता हूँ। तेरी बेटी रोज रोज हमारे स्कूल में आ जाती है पढ़ने लिखने, अपनी बेटी को समझा के रख। मिस इंडिया, बड़ी उदास लग रही हो। सॉरी सॉरी मिस नागपुरा, कभी हमसे भी तो बात कर लिया करो, हम पढ़ा दें, ABCD हमें भी आती है। अरे यार अभी देख पढ़ के आ रही है, थोड़ा थक गई होगी, थोड़ा सांस तो लेने दे उसे। सांस कैसे लेते मैं सिखाऊं क्या? हाँ सिखाओ ना। हाथ से अपना। क्या बात है, हाथ मांग रही है ये ले। दादाजी, अरे वो मुनिया है ना मुनिया, अरे वो झगड़ की बेटी, अरे उसने आज कुंदन का हाथ काट लिया। बैठो बैठो, ये गांव है, गांव का पंचायत है, ये गांव का फैसला है, सर उसको मानना ही होगा। ये शहर नहीं गांव है, तुम अनपढ़ हो, गवारो, इस दुनियादारी क्या समझ है तुम्हें? मुझे दुनियादारी की खबर ना सही, लेकिन एक पिता होने के नाते अपनी बेटी की परवरिश करना ये मेरा पहला धर्म बनता है। धर्म? तू मुझे सिखलाएगा? मालिक मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपनी बात आपके पास रख रहा हूँ, इतना तो हक है मेरा। जगन, तुम्हारी बिटिया की शादी तुम्हें 2 दिन में करनी होगी। ऐसा जुल्म मत करो, मेरे घर में तो खाने के लाले पड़े हैं, मैं अपनी बिटिया की शादी कहाँ से करूँगा।
जो मास्टर जी हैं उनसे तुम्हारी बिटिया की शादी कर देंगे बिना लेन देन के। वो मास्टर जी मालिक, उसकी उम्र तो देखो 60 साल का है और मेरी बिटिया की उम्र क्या है? ऐसा जुल्म मत करो मालिक। अरे जगन, अरे आपकी बेटी को शहर में जाके बेच दो। ऐसे लेने वाले जिनके बेटी बेटी नहीं है वो ले लेंगे बेटी को, खरीद लेंगे। मालिक ये क्या कह रहे हो? हम गरीब जरूर हैं, लेकिन अपने बिटिया के लिए हम ऐसे कभी नहीं सोच सकते। इसके लिए चाहे आप मेरी जान ले लो। जगन, तुम्हारी बिटिया को शहर में बेच दो या मास्टर जी के साथ शादी करवा दो या जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ दो। जगन, तेरी बेटी की वजह से पूरे गांव के लड़के बिगड़ रहे हैं, 2 दिन के अंदर फैसला लेना होगा। मालिक, ज्ञान तो सबके लिए है ना, मेरी बेटी 4 अक्षर पढ़ ले तो इसमें क्या होगा? गांव वालों, ये सरपंच का फैसला आखिरी फैसला है और ये मानना ही पड़ेगा। उस गांव के सरपंच ने एक ऐसे तुगलकी फरमान को जारी किया जो हमारे समाज के कुरूप चेहरे को दर्शाता है। आप तो मुनिया के बापू हो, आप तो कुछ करो। हमारी तो बस एक ही कीमत है, गरीबी पैदा हो गए और गरीबी मर जाएंगे। हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, गरीबों को इस समाज में कीड़े मकोड़े समझा जाता है, जिसने जब चाहा कुचल दिया। मुनिया के बापू, क्या हम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते हैं क्या? किस्मत वो तो सिर्फ अमीरों की होती है और हमारे पलड़े में तो बस बदकिस्मती है कजरी। किस्मत के सारे बेटी की बलि तो नहीं चढ़ने दे सकते ना? देनी पड़ेगी, बलि ही देनी पड़ेगी कजरी। बस अब ज्यादा कुछ मत सोच, अपनी बदकिस्मती को ही अपना किस्मत समझकर हमें चलना होगा, और इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। जो कुछ उस नन्ही मुनिया के साथ हो रहा है, आखिरकार उसका दोषी कौन? हमारा कमजोर कानून या कुरूप समाज या संकुचित मानसिकता? मुझे पता है कि आजकल बापू का काम नहीं बना, इसलिए आज घर में रोटी भी नहीं बनेगी। लेकिन अब तुम फिकर मत करो, मैं पानी से ही काम चला दूंगी। किसने कहा रोटी नहीं है? आज तो मैं तुझे पेट भर कर खिलाऊंगी, चल नहा ले। और ये फ्रॉक पहन। माँ, ये तो मेरी नई फ्रॉक है। तुमने कहा था कि ये तो फ्रॉक जब किसी की शादी होगी तभी पहनूंगी, तो फिर आज क्यों? आज किसी की शादी है क्या? माँ, आज तुम क्या मुझे स्कूल में दाखिला दिलवाने ले जा रही हो? अरे तो फिर मैं बहुत बढ़ूंगी और बड़ी होकर मस्तनी बनूंगी और पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। और पता है कि सब गांव के बच्चों मुझे क्या बुलाएंगे? क्या बुलाएंगे बेटा? मुनिया मास्टरनी। हमेशा के लिए ही घर छोड़ के जा रही हूँ। सही तो कह रही है, कई बार रहने से चले जाने में ही भलाई है, ये दुनिया बड़ी निष्ठुर है। अरे माँ, तुम क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तू ना समझ मेरे जिगर के टुकड़े, उसमें ही तेरी भलाई है। सदियों से चली आ रही है क्रूरता की कहानी अब फिर से दोहराई जाने वाली है। कोई मर कर तर जाएगा, कोई जी कर मरता रहेगा। माँ, तुम खुश हो क्या उदास? मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है, तो मुझे तो बताओ कि तुम उदास हो क्या खुश हो? कुछ भी नहीं, तू खा और बापू के साथ जा। बापू, हम कहाँ पे जा रहे हैं? बिटिया, हम लंबी यात्रा पे जा रहे हैं। इतनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल राजकुमारी की तरह, किसी की नजर ना लगे। माँ, तुम्हारी होती मुझे किसकी नजर नहीं लगेगी? बेटा, तुम नहीं जानती भगवान हम गरीबों की कैसी कैसी परीक्षाएं लेता है। दुनिया की माँ,
गुड़िया तैयार होगी कि नहीं लंबी यात्रा पर जाने में? माँ बाबू जी कितने दिनों के बाद मुझे घुमाने ले जा रहे हैं। मेरा दिल नहीं कह रहा तुझे भेजने का। मैंने कहा ना तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरे पास ही रहेगी। लेकिन वो मुझे जाने दो ना। बुनिया, मैं नहीं जाने दूंगी इसको आपके साथ। छोड़ बावरी, ये क्या कर रही है? मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल को समझाया है। हमें इस समाज में रहना है और समाज के जो कायदे कानून है उसके अनुसार चलना है। मैं नहीं मानती ऐसे कायदे कानून को। पूरी दुनिया में माँ और बेटी का सबसे पवित्र रिश्ता होता है, कोई भी ताकत इसे झुठला नहीं सकती। बावरी मुझे कमजोर मत कर, मैंने बड़े मुश्किल से अपने दिल पर पत्थर रख के ये फैसला लिया है। चल मुनिया, मुनिया चल मुनिया, आप नहीं जा सकते। मुनिया, मुनिया, चलो चलो तुम। मुनिया, मुनिया चल। अरे छोड़ मुंह माया, हमें संसार में रहना है। नहीं, चलो चलो मुनिया, मुनिया चलो मुनिया। भरी दोपहरी में तू यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस मरने का मन कर रहा है। ये तू क्या बोल रही है? क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों बोल रही है? जिस बच्ची को 9 महीने अपनी कोख में रखा, आज उसी की बलि चढ़ा दी है मैंने। जैसे बकरे को बलि चढ़ाने से पहले उसको खिलाते पिलाते हैं, हलाल करते हैं, उसी की तरह मैंने अपनी बेटी को इतना बड़ा किया और मैंने उसकी बलि दे दी। क्या ये जगह ठीक लग रही है? कम से कम मेरी बिटिया सुकून से रहेगी, ये ठीक है। पापू क्या ठीक है? कुछ नहीं कुछ नहीं, तू यहाँ बैठ, बैठ यहाँ और यहाँ से कहीं जाना नहीं। अरे तेरे को बोला ना यहाँ बैठने के लिए, यहाँ बैठ जा, मेरे नजरों के सामने रह, कहीं बच जा। आज के युग में अबला नहीं कोई नारी, मैं ये ठीक कर रहा हूँ? क्या मैं खड़ा करने में आपकी मदद करूँ? तुझे बोला ना मैंने, तू बैठ जा वहाँ पर, मैं करता हूँ, मुझे करना है ना सब कुछ। बस थोड़ा सा प्यार मिले, विद्वजनों का दुलार मिले, मुझे रोको नहीं, रोको नहीं। एक बार वहां बैठ जा करके, कितनी बार बोलना है तुझे, समझती नहीं क्या? भाई बैठना, मेरे नजरों के सामने रहना, कहीं जाना नहीं इधर उधर। कोई आए मुझे देखे, इससे पहले मुझे मुनिया को दफनाना होगा। देखे ना, देखे ना, देखे ना, देखे ना, देखे ना।
बापू आप बहुत थक गए हैं, ये लो मैं पानी लेके आया। बड़ी आई पानी पिलाने वाली, तू वहां बैठ जा। ये मैंने क्या किया भगवान, अपनी बिटिया को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। कौन आ गया, कहीं मैं फंस तो नहीं जाऊंगा। मुनिया को अपने पास बुला लेता। क्या हो रहा है यहाँ पे भाई? कुछ नहीं मालिक। ये क्यों गड्ढे कर रहे हो इधर? ये मैंने किया है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगाने हैं। नहीं, यहाँ पर स्कूल बनना है। स्कूल बनना है मालिक? हाँ, यहाँ पर गड्ढे आप खोदोगे? खड्डा खोदना है मालिक। इसकी 50 रुपए आपको मिलेंगे। अभी एक गड्ढा खोदा आपने? ठीक है, आपको 50 रुपए दे रहे हैं। कल से खोदना यहाँ पर। पचास रुपए? जी मालिक, जी मालिक। हम भी आएंगे, मुनिया भी काम करेगी और मुनिया की माँ भी आएगी। मुनिया तू अब स्कूल जाएगी, तेरे बापू को नौकरी मिल गई है, अब खाना भी मिलेगा और मैं तुझे मुनिया मास्टरनी बनाऊंगा। समय पंख लगाकर उड़ चला और 4-5 साल में मुनिया के घर की हालत सुधर गई। मुनिया पढ़ने भी लगी, पढ़ाने भी लगी। एक मुनिया आज बच गई। आज भी क्या होता है? बेटी कर्ज नहीं, मर्ज नहीं, दर्द नहीं, बोझ नहीं। बेटी तो घर की, समाज की, संसार की जननी है। बेटी है तो दुनिया है, इसीलिए बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए।